तो भाई आप सब ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, और एक फिल्म आई थी गली बॉय, वो भी सबने देखी, सबने जम के तारीफ करी कि भाई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने क्या काम किया है और इस मूवी का क्या नाम किया है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसमें एक साइड कैरेक्टर था, एक रोल था जो कि शायद आपको आज भी याद होगा। वो रोल किया था विजय वर्मा ने, उसमें वो एक कार गैराज में जो है काम कर रहे होते हैं, उनका एक छोटा सा उसमें रोल था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि विजय वर्मा जो के आज स्टार बने हुए हैं, ऐसे ही वो स्टार नहीं बन गए, उन्होंने इसी तरह के छोटे छोटे रोल किए हैं और वो इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं। और इसमें ज़रा सा भी आपको नेपोटिज्म नहीं मिलेगा, टोटली अपने टैलेंट के दम पर। तो जिन लोगों ने विजय वर्मा को बहुत ज्यादा मूवीज में नहीं देखा हो, तो मैं उनकी एक मूवी का जिक्र कर देता हूँ। उस मूवी का नाम है डार्लिंग्स, और डार्लिंग्स में ये मेन लीड में आए थे। ये आलिया भट्ट के उसमें हस्बैंड होते हैं और बहुत ही साइकी और गुस्से से भरा हुआ कैरेक्टर जो है इनको दिया गया था उस मूवी में। जब ये कहते हैं ना डार्लिंग्स, मतलब यार क्या इंटेंसिटी है इस बंदे की, एक्टिंग उस लेवल पे चली जाती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसा बंदा जो कि जिसको कोई कल को जानता भी नहीं था, वो इस तरीके की एक्टिंग भी कर सकता है। TCM. लेकिन वापस ही नहीं आया, काम पर गया। उसके साथ ही साथ मैं आपको इनकी वेब सीरीज का भी बता दूं। वैसे तो इनकी बहुत सारी वेब सीरीज बहुत ही जबरदस्त होती हैं, लेकिन इनकी आप मिर्जापुर में अगर एक्टिंग देख लें, जिसमें वो लंबा सा इनको दिखाया और क्या कैरेक्टर बनाया है, एक तो वो हो गई, बट उसमें भी इनका बहुत मेन रोल तो नहीं था, बट एक अच्छा रोल दिया गया था। बट उसके साथ ही साथ मैं पहले भी एक वेब सीरीज की बात कर चुका हूँ, उसका नाम है दहाड़, और इस वेब सीरीज के लिए विजय वर्मा को अवार्ड भी दिया गया था। उसमें ये एक लीड रोल प्ले करते थे और एक प्रोफेसर थे जो कि लड़कियों का मर्डर किया करते थे। भगवान सब देख रहा है, और वो मर्डर कुछ ऐसे होते थे कि ये पूरी प्लानिंग करते थे कि भाई मैं जो है कुछ गांव की लड़कियां पटाऊंगा, उनसे रिश्ता बनाऊंगा, उनसे शादी करूंगा और उसी रात जो है उनको मार दूंगा। इस तरीके की इनकी हरकतें होती थी उस वेब सीरीज में। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि उसमें जो इनकी एक्टिंग थी ना, उसके आगे, हालांकि बहुत एक्सट्रीम स्लो वेब सीरीज थी, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं थी, लेकिन इनकी एक्टिंग ने आपको ऐसा इंगेज किया हुआ होगा ना, अगर आप वो वेब सीरीज देखेंगे, कि आप अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर कोई और एक्टर भी इस वेब सीरीज में होता तो वो कुछ भी मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज का उखाड़ सकता था। हालांकि इसमें एक बड़ा नाम था सोनाक्षी सिन्हा का, उन्होंने भी नो डाउट अपनी ज़िंदगी की बेस्ट एक्टिंग इसी वेब सीरीज में कर डाली, हेड्स ऑफ टू सोनाक्षी सिन्हा ऑल्सो। लेकिन अगर कोई और एक्टर विजय वर्मा की जगह होता तो मुझे नहीं लगता कि ये वेब सीरीज यहाँ से यहाँ जा पाती, तो कहीं भी नहीं जा पाती। बट विजय वर्मा ने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा के इस वेब सीरीज को, समझ लो कहते हैं ना कि एक बंदा जो अपने दम पे चीज चला लेता है, वो इन्होंने कर दिखाया है। अभी तो शुरू हुआ है। सो अब जो है विजय वर्मा एज अ स्टार तो बॉलीवुड में बन ही गए हैं, वो भी अपने दम पर, और उम्मीद है कि इनकी काफी सारी मूवीज और वेब सीरीज जो है लाइनअप पे होंगी। सो हम जो है ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह विजय वर्मा की एक्टिंग के फ़ैन हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी कौन सी फिल्म और वेब सीरीज सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।